ये दोस्तों जहाँ मैं पहुँच गया था वहाँ के फ्रंट जो है दलालों के घर से दिखा। हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है, कल हमने बताया था कि भाई हम कल कहीं जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, लेकिन बट आज भी वेदर तो ठीक नहीं है लेकिन हम कहीं जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपको थंबनेल में पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं। ये मेरे साथ बैठी मेरी वाइफ, पीछे बैठा मेरे भाई, मैं हेलो कर यार। हाँ ये बैठी है बहू। अभी हम चल रहे हैं, आप ऐसा करो मौसम है यहाँ का ख़राब, मैं आपको यहाँ का वेदर दिखा देता हूँ, आप हमारे साथ बने रहे फिर मैं आपको वहाँ मिलते हैं, आपको जहाँ हम जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी, एक हफ्ता हो गया इसको। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था हम पहुंच गए हैं, ये रहा उनका घर। बारिश हो रही, मैं दिखा नहीं पाया, मैं अंदर जाके आके प्रणाम प्रणाम मैंने सब कर लिया, ये मैं सोचना कि नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा आया बाहर। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा दलालों का घर जहाँ जाना था हमें। ये रही आमा, ये आमा हमारी, ये हम सब पहुंच गए यहाँ पे। देखो क्या कर रहा है ये दोस्तों। मैं यहाँ पे इनके अभी किचन है, किचन में इनका खाना बन रहा है। देखो ये आप देख सकते हैं खाना ना तैयारी चल रही है। ये देखो ये गुड़िया है। गुड़िया क्या कर रहे बेटा, कितने पढ़ते हो? बहुत नहीं देख रहे हो? चलो गुड़िया संभाली हमारी, चलो ठीक कोई नहीं, ठीक है। अच्छा तो मैं बताता हूँ, हम आए हैं ये साढ़ भाई के घर। दादा तो अभी पर्यावरण में है, ये उसने लोहागढ़ में यहाँ मकान रखा है, यानी सिलगढ़ से 1 किलोमीटर आगे, लोहागढ़ से 2 किलोमीटर। ये भाई लोग बैठे हुए हैं, ये मेरी वाइफ बैठी हुई है, ये आमा बैठी हुई है, किचन में जो है खाना बना रही है। ये दादा का नया मकान यहाँ दादा ने बना रखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये। और आपको मैं फिर आगे भी दिखाता हूँ, आप बने रहें। ये है दादी अम्मा, ये है दादा का दूसरा वाला रूम, इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये बुक्स रखी हुई हैं। और ये यहाँ से छोटी सी एक जाने का रास्ता है, ये है दादा का दूसरे साइड में किचन, ये 2 सेट के हिसाब से है, किचन 2 है इसमें। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये वॉश बेसिन, और ये आपका यहाँ से ये टॉयलेट है मेरे राइट साइड में ये वाला। और ये तो सिंक देख लिया आपने, इसके बगल में ही किचन है जो ये। ये दोस्तों जहाँ मैं पहुँच गया था वहाँ के फ्रंट व्यू है दादा लोगों के घर से दिखा। ये दादा के यहाँ से बिल्कुल फ्रंट व्यू है, कितनी प्यारी सीनरी है। ये पिथौरागढ़ हाईवे में है, ये जो दिखाई दे रहा है आगे भी ये दुमंजिला, ये भी दादा का ही है। ये जो बस आ रही है उसके पीछे MG होटल है जो काफ़ी फेमस है, बहुत ही बड़ा होटल है। ये बस आ रही है, देखो ये कुछ भी कहो, लाइफ तो पहाड़ों की है, बारिश में तो और अच्छा होता है पहाड़। अभी देख सकते हैं आप ही जैसा कि, ये देखो ये क्या प्यारी सीनरी है, मस्त है। यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जाने की, ये आमा बैठी हुई है। हाँ अभी चलते हैं, बैठो फिर हैं, चलते हैं फिर अब। हाँ चलो जाओ फिर, तैयारी करो, चलो फिर, चलो चलो। ये रहा दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं। देखो जग्गू देखो तैयारी कर रहा है, तो मेरी वाइफ भी चप्पल पल पहन के आ रही है, निकल रहे हैं हम। दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।